भिलाई की शिवनाथ नदी में दो छात्र पानी में डूब गए। स्कूल से बंक मारकर नहाने गए थे तीन दोस्त, दो गहरे पानी में जा फंसे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश अभी भी जारी। भिलाई में मंगलवार को दो छात्र नदी में डूब गए। दोनों छात्र स्कूल से छुट्टी मारकर अपने एक अन्य दोस्त के साथ नहाने के लिए शिवनाथ नदी में गए थे। आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस ने एक का शव बरामद किया है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामला सियाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा सेक्टर इस्पात क्लब के पास रहने वाला आदर्श चंद्राकर, उम्र 17 वर्ष, पुत्र दिनेश चंद्राकर, गार्डन चौक निवासी तौसीफ अंसारी 17 वर्ष, पुत्र मुर्शीद आलम और रुआ बांदा निवासी आयुष शांडल्य, उम्र 17 साल, पुत्र हेराम शांडिल्य, तीनों अलग अलग स्कूल में 11वीं के क्लास के छात्र हैं और तीनों दोस्त हैं। तीनों दोस्त मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल से बंक मारकर नहाने के लिए शिवनाथ नदी में गए थे। तीनों नहाने के लिए नदी में उतरे थे कि आदर्श और आयुष गहरे पानी में फंस गए। उन्हें डूबता देख पहले तौसीफ ने बचाने का प्रयास किया, फिर आसपास के लोगों से मदद मांगी। इससे पहले कि लोग पहुंचते, दोनों छात्र नदी में बह गए। पुलिस ने शाम करीब 4:15 पर आयुष का शव बरामद कर लिया, जबकि आदर्श की तलाश अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।